नमस्कार, केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परनय प्रेम। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हाथरडी की एक वर्षीय महिला की शादी का प्रस्ताव किया गया, महिला ने किया मुकदमा, तो मिल रही है जान महंगी। आप देखें केसीएन टीवी की एक्सक्लूसिव। ठीक है, तार आई लोगो। आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहती हैं? कवलजीत कौर, पाथरडी कोलवासी, क्वार्टर नंबर 100। ये किस थाना क्षेत्र में पड़ता है? पाथरडी थाना। ये किस जिला में? धनबाद जिला। आप कमलजीत जी, बताएं कि आपके साथ क्या घटनाक्रम है, आज आप केसीएन टीवी चैनल के ऑफिस में आई हैं, क्या मामला? ये मामला ये है कि मैंने केस किया है जो आर्मी में था दिलीप साहू, तो ये 10 साल से जो भी शादी का झांसा दे के तो रह रहा था हमारे साथ, फिर ये 11वां महीने में शादी किया है 28 को शादी किया है, उसका पता चला है, मैंने केस किया है और केस हुआ है, उसका बाद में बीच में कुछ लोग और भी आ गए हैं। आप विधवा महिला हैं क्या? हाँ, विधवा हम हैं, विधवा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके पति का नाम क्या है, पति जो? सुखदेव सिंह, लेट सुखदेव सिंह। अच्छा अच्छा, वो कहाँ काम करते थे? बीसीसीएल में। उनकी मौत कब हुई? 2005। उसके बाद जो है आपका, आपको झांसा किसने दिया शादी का? दिलीप साहू। और क्या आपके साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया? हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद में केस हुआ है थाना में, 2 महीना से केस थाना में पड़ा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है, और उसका बाद में बीच में मेरा जेठ जो दलवीर सिंह है वो मिल गया है उन लोग का साथ, और वो भी हमको परेशान कर रहा है। उसकी बेटी है, रजनी नाम है उसका, और उसका कुकू है दामाद जो राज सिंह बेटा है, और वो लोग पूरा परेशान हमको कर रहा है और हर तरह का गाली गलौज कर रहा है, जान मारने का भी किया। क्या बोलता है वो लोग? समझौता के लिए बोलता है क्या? समझौता के लिए ही बोला था, केस उठाने की भी बात? हाँ, केस उठाने के लिए भी वो लोग बोला, तो जो रजनी थी वही अपना घर में हमको बुलवाई थी, और रजनी बोली कि केस समझौता कीजिए और पैसा पे केस समझौता कीजिए, तो हम बोले कि पैसा हमको नहीं चाहिए, हम तो जो भी है हम जो केस है उसे अपना जो कानून में चला गया है उसका जेल चाहिए हमको, हमको पैसे वैसे का तो कोई बात नहीं है, मैंने कभी भी कहीं भी पैसे। अभी आपको जान का खतरा महसूस हो रहा है क्या? हाँ, मेरे साथ घटना हुई है जिसकी जानकारी बड़ा बाबू को है, पाथरडी थाना को है। ये कब का मामला है? ये है आपका 9 का डेट था, रात में 12 बजे 12:30 बजे 9 फरवरी 2020। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? वो लोग मतलब जो भी गाड़ी में था तो 12 बजे के आसपास पूरा तेज तेज से गाड़ी राउंड करने लगा, उसका बाद में आपके घर के पास? हाँ, उसका बाद में उसमें 4 लोग थे, जिस 4 लोगों का नाम मैंने दे रखा है। कौन कौन लोग हैं वो? रजनी थी और कुक्कू था और राज था, पप्पू साहू था, के वो जो मतलब समझौता के लिए बोल रही थी ना, तो समझौता मैंने नहीं किया, तो अब वो क्या कर रही है नहीं कर रही है ये तो बात सामने आ चुका है। सरकार और पुलिस प्रशासन से क्या मांग करती हैं? हम मांग यही कर रहे हैं कि वो लोग दोषी हैं, दोषी जो भी है वो उसको हम जेल में भेजना चाहते हैं, हमको कोई पैसा का डिमांड नहीं, कुछ भी हम नहीं चाहते हैं, उसको जेल भेजना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ गलत किया है, और ऊपर से वो लोग सब कोई गेम किया है, हमको जान से मारने का ही किया है। एसपी साहब हम फोन किए हैं, हम उसका बाद में थाना को फोन किया, तब थाना की गाड़ी मेरा घर में आई है, रात में थाना का गाड़ी मेरा घर में आया है। आपकी जान पर खतरा महसूस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, हमको खतरा है, लगातार हमको खतरा बना हुआ है। आप अकेले रहती हैं घर में? हाँ हम अकेले रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केसीएन टीवी चैनल से बात करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके।